अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, डीजे पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख लो, उसी तरह आप भी अपने मोबाइल में डीजे व्हाट्सएप स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी दोस्तों। और इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वी एन ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपके जो भी पोस्ट है वो पहले हम इधर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर अपने जो भी पोस्ट है वो पहले इधर ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों उसी तरह से मैं अपने पोस्ट रहेंगे वो इधर से ऐड कर लूँगा। उसी तरह से आपको भी अपने पोस्ट है वो ऐड कर लेते हैं। उसी तरह से मैं इधर ऐड कर लिया और उसके बाद दोस्तों इधर से हम 28 फोटो ऐड कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों इधर तीर का एक ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका जो पोस्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से हो जाएगा। और इधर से आपको म्यूजिक वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपका जो भी म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। दोस्तों इधर से मेरा म्यूजिक पहले से ही ऐड है और यहाँ से आपको म्यूजिक बिट्स पे जाना है और यहाँ से आपको बिट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हम इधर से आपको बिट कैसे ऐड करते हैं वो भी दिखा देंगे जो कि काफ़ी क्लासिक लगेगा। और उसी तरह से आपको सब में बिट को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर पहले बिट को ऐड कर लेता हूँ। तो उसी तरह से आपको भी अपने म्यूजिक में बीट के हिसाब से ही सेट कर लेना है, रिमेक कर देना है। और इधर से आपको एंड लास्ट तक जो भी आपका जहाँ तक है वहाँ तक आपको इधर कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह करने के बाद इधर यहाँ तक कर देना है, यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है जो कि आपका वीडियो रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसी तरह से इधर ज़्यादा गेट रह रहा है तो ज़्यादा आपको अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर देना है। और उसी तरह से दोस्तों इधर एक यस का ऑप्शन दिख रहा है उधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो सॉन्ग रहेगा कुछ बीट इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इसे आपको थोड़ा जूम कर देना है। जूम करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको पहले वाला पोस्ट पर आ जाना है और पहले वालों को सेट कर देना है। तो दोस्तों उसी तरह से आपको सभी पोस्ट को सही से सेट कर देना है। उसी तरह सेट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको पहले वाले में कुछ अलग इफेक्ट लगाना है जो कि आपका इफेक्ट रहेगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसी तरह से आपको पूरे में इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों आपको पूरे पोस्ट को उसी तरह से कर देना है और यहाँ से आपका जो बड़ा वाला बिट लग रहा है तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से आपको बड़ा वाला बिट लग रहा है तो उधर आप किस तरह का इफेक्ट रहेगा वो ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों इधर से आपको बड़े वाले में कुछ अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इधर आपको जितना भी बड़ा है उसी तरह से आपको इधर एक और उसी तरह से आपको बड़े में किस तरह से करना है वो भी मैं दिखा दूंगा। और उसके बाद दोस्तों इधर से क्या करना है आपको पहले वाले ऐप में आ जाना है और इधर एफएक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैक है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर हम ब्लैक वाला इफेक्ट है जो कि ऐड कर लेंगे। और उसी तरह से आपका जो पहला बीट लगेगा उधर बहुत ही क्लासिक और अच्छा दिखेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे वाला ऑप्शन में आ जाना और इधर से आपको कुछ इसी तरह से इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इधर से आपको कुछ इसी तरह से इफेक्ट को जो कि इधर आपको बहुत इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इधर से आपको कुछ इसी तरह से इधर आपको एक जूम आउट का इफेक्ट रहेगा वो भी देखने को मिल जाएगा। और इधर से आपको ये जूम आउट का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है तो जो कि आपके डीजे में बहुत ही क्लासिक लगेगा। और उसी तरह से आपको वहाँ तक कर देना है जहाँ तक आपका बड़ा वाला इफेक्ट ना लगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको वहाँ तक इसे कर देना है। उसी तरह करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ तक आपको उसी तरह से कर देना है जो कि इधर बीट लग रहा है तो उधर उसी तरह से कर देना है। और यहाँ से आपको या भी इसको फोटो को सभी फोटो को सही से सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों इसे हम इस वाले पोस्ट पर आ जाते हैं और उसे हम थोड़ा कुछ इसी तरह से जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हम थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं और उसी तरह से इसे बैक की साइड की ले लेते हैं। लेने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसे सही से आप कर देना। करने के बाद दोस्तों उसी तरह से हम यहाँ पर एक एक बिट लगाएंगे जो कि हमारा पोस्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से हमारा जो पोस्ट रहेगा वो बहुत ही अच्छा और क्लासिक दिखेगा। उसी तरह से दोस्तों इसे पोस्ट को आपको उसी तरह से थोड़ा आगे की तरह खींचना है जो कि आपका इफेक्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इस पोस्ट को कुछ इसी तरह से खींच के आगे की तरह ले लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सही से इधर ले लेना है क्योंकि आपका वीडियो में कुछ इसी तरह से आपका वीडियो चलेगा तो कुछ पोस्ट इसी तरह से आ जाएंगे। और इधर से आपको वो का वो इफेक्ट वापस ऐड कर लेना है जो कि आपके पहले किया जूम आउट का वो इफेक्ट इधर ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके जो भी छोटा पोस्ट है उधर आपको जूम आउट का इफेक्ट है ऐड कर लेना है जो कि आपके वीडियो में बहुत ही अच्छा दिखेगा। उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में इसे कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उतना करने के बाद दोस्तों इधर आपको कुछ इसी तरह से पोस्ट आया आगे की तरह आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों इधर से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है जो कि देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। तो इधर से मैं एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से दोस्तों इधर से देख सकते हो हमारा वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से आपके सामने इधर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि देख सकते हो उसी तरह से कुछ ही देर में हमारा वीडियो रहेगा वो इधर ऐड हो चुका है। और इधर से आपको फुल कर देना है। और उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको ये इधर ओरिजिनल लिखा हुआ क्लिक करना है और यहाँ से आपको
9/16 का है, रिव्यू सेलेक्ट कर देना है, जो कि आपका इफेक्ट रहेगा वो बहुत सही से सेट हो पाएगा। और उसी तरह से इसे जूम कर देना है, और उसी तरह से जूम करने के बाद दोस्तों इधर आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ क्लिक करना है, यहाँ से स्किंग कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो, इसी तरह से स्किंग करने के बाद इधर यस पे क्लिक कर देना, आपका वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से बनके रेडी हो जाएगा, जो कि आपके वीडियो में बहुत ही अलग तरह का इफेक्ट रहेगा और आपका वीडियो भी बहुत ही क्लासिक दिखेगा। जिस तरह से आपका वीडियो चलेगा तो उसी तरह से आपका इफेक्ट रहेगा, बहुत ही अच्छे दिखेंगे। और उसी तरह से आपको सभी इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपका इफेक्ट आप देख सकते हो, बहुत ही क्लासिक इफेक्ट रहेगा, जो कि इधर से आपका पोस्ट सरकेगा तो वो भी बहुत ही क्लासिक लगेगा। और उसके बाद इधर से दोस्तों आपको इधर एक्सपोर्ट करना चाहो वीडियो को, तो इधर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे दिया है, वहाँ क्लिक करना है, ऐसे यस पे क्लिक कर देना है, जो कि आपका वीडियो रहेगा वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।